और थर्ड। बाइक की चमकान गायब हो चुकी है और हवा भी निकल चुका है, तो सबसे पहले भरेंगे इसमें जाके हवा। अब मुझे पता नहीं कि इसमें कितना हवा भरते हैं, उसके लिए तो हमें पूछना ही पड़ेगा। कोई मैंने ज़्यादा तो नहीं भर गया, देखो बीच में ये दिख रहा है, इधर भी। सो गाइस, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। व्लॉगिंग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया, मुझे दो दिन से जल्दी उठ रहा था और पता नहीं आज सडनली दिन में फटक से बहुत अच्छी नींद आ गई मुझे। तो अभी जा रहे इसको थोड़ा क्लीन कराएंगे और उसके बाद हेलमेट में वो एलईडी लाइट लगवाएंगे, जो एलईडी लाइट आपने कल वाले व्लॉग में देखा था। तो हमारे यहाँ पे सब कुछ बंद है, लेकिन बाइक सर्विसिंग का जो शॉप है वो सब चालू है। तो मैं सोचा यहाँ पे वॉशिंग करा लूँगा, क्योंकि बाहर तो सब बंद है, लेकिन यहाँ भी बंद, वॉशिंग सेंटर बंद है, बाकी बाइक सर्विसिंग चालू है। ये हेलमेट मेरा इकलौता, मतलब जब से बाइक लिया तब से इसी हेलमेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी में गोप्रो लगा हुआ है। और उसके बाद मतलब राइड, मतलब मोटो, मतलब जब लंबा राइड करता हूँ तो सिर्फ यही हेलमेट यूज़ करता हूँ। बाकी हेलमेट तो कहते हैं सिटी में यूज़ करने के लिए, सबसे ज़्यादा वो जो स्टील बट का है वो हेलमेट में सिटी में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाकी मेरे जो दोस्त लोग को भी कभी हेलमेट चाहिए तो वही हेलमेट में दे देता हूँ, वो लोग भी जाते घूम के आते। तो इस हेलमेट में हम लगाने वाले हैं ये एलईडी लाइट, मैं दिखा दूँ नीचे रखा है एलईडी लाइट। ये एकदम ईजिली और आसान तरीके से इसमें इंस्टॉल हो जाएगा और इसके हम पीछे यहाँ पे पीछे वाले भाग में इंस्टॉल करेंगे। और इसका जो बैटरी है वो मैंने बैटरी निकाल के चार्जिंग में लगा दिया है, जो कि चार्ज हो रहा है। तो ये कि बहुत अच्छा है, अगर आपके पास चार्जेबल बैटरी है या उसका चार्जर है तो आप इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। मतलब बैटरी चार्ज करो लगाओ, तो हेलमेट रखने के लिए ये बेस्ट जगह है। तो उसको उठाते भाई, GoPro का जो माउंट लगाया ना एकदम ज़बरदस्त, कभी यूज ही नहीं होता ये ऐसा माउंट लगाया है। तो ये रहा अपना हेलमेट का पीछे का लोकेशन, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, फिर भी देखो एकदम प्रॉपर BSB का लोगो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से नाम तो पूरा मिट गया। इसको बहुत लोग देख के पहचान जाते हैं मुझे बहुत। GoPro लगा हुआ है, ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो माइक वाइक बोलते हैं, फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, ये लगा हुआ है इसमें। अब लगाते हैं LED लाइट जो यहाँ से इसमें लगेगा, मैं एक बार दिखाऊँ। है कुछ ऐसा, देखो ये अपोजिट साइड का है, ऐसा रहेगा, मतलब ये उस साइड का है। ये पार्ट को यहाँ पे एग्जैक्ट ले सकते हैं और ये देखिए ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे आएगा, मतलब कि मेरा लोगो वेस्ट होने वाला नहीं है, मतलब लोगो छुपेगा नहीं। तो ये हम ऐसे यहाँ पे लगाएंगे और हाथ पीछे रखे कि आपका हाथ उस पर टच ना हो। उसको चिपका दूँ एक बार, ज़्यादा आगे हो गया वो लफड़ा हो ही गया। तो पहले नाप लेते हैं इसका, हाँ अब सही है। अच्छे से चिपका सकते हैं। सो देखिए वन साइड यहाँ पे लग गया ये। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर जाते हुए पीछे एकदम यहाँ पे आया है। सो ये लग गया, अब इसको सेम अपोजिट साइड लगाते हैं। लग रहा था कि इसमें थोड़े से बीच में ना कटआउट है, मतलब थोड़े से हेलमेट प्रॉपर गोल शेप में कट आउट में, तो कहीं कहीं नहीं चिपका है। मैं दिखा दूँ कहीं कि क्यों नहीं चिपका है, आपको समझ में आ जाएगा। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कटआउट है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट नहीं चिपक रहा है। और ये बहुत प्लास्टिक थोड़ा हार्ड है, मतलब रेडियम जैसा नहीं है। तो कोई नहीं, यहाँ पे चिपक गया ठीक से, यहाँ पे चिपक गया, तो बीच में थोड़ा सा गैप है, उससे कुछ होगा नहीं। मैं देखता हूँ, आप कुछ कागज़ वगैरह भर देता हूँ। बाकी ये जो लाइन है ये प्रॉपर चिपक गया है साइड में, यहाँ पे लग गया। देखिए ये यहाँ से लग गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए ये GoPro का जो अडेप्टर का माइक का वायर है, तो इसको निकालूंगा तो कहाँ लगाऊँ, इसलिए थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया कि ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ लगा हुआ है। सॉरी हिचकी आ रहा है। तो ये यहाँ से लग गया, ये यहाँ पर आ रहा है ऐसे, फिर इसको जैसे घुमाएंगे तो पीछे जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट कुछ नहीं, लाइट जब जलेगा तो अच्छा लगेगा। मेजर से थोड़ा सा हो गया, हम उतने परफेक्ट तो थोड़ी ना भाई कि प्रॉपर कर लेंगे। और हेलमेट भी थोड़ा सा ऐसा अलग अलग शेप में है, तो प्रॉपर चिपका नहीं वो, लेकिन चिपक चुका है, मतलब
चिपक चुका है कि निकलेगा नहीं। यहाँ भी देखिए ये लगा है जिसकी वजह से थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो गया। ये रहा सिंपली बैटरी, इसमें डाल देना है। ये बैटरी जो है मेरे फ्लैश का बैटरी है, तो ये चार्जेबल मतलब एक्स्ट्रा बैटरी था मेरे पास तीन, इसमें का एक इसका एक गुम हो गया था तो मैंने फिर जाके दो जोड़ी नया लिया, तो ये एक पड़ा है तो ये मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। एक हाथ से मुश्किल है भाई। तो बैटरी लग गया और देखिए ये चीज़ आराम से आपके किसी भी पॉकेट में इजीली बाहर से आप इसको लॉक कर सकते हो, ये यहाँ पे रहेगा। तो गाड़ी चलाते समय बस आपको यहाँ पे एक बार बटन दबाना है और यहाँ पे लाइट चालू। अब बस हम इसको रात का देखना कि रात में कैसा लगेगा। ये मोड चेंज और ये तीसरा मोड, तो इसमें ये तीन मोड है जिसमें ये झामझुम जलता है और एक में ये इसमें बंद, ये चालू सेकेंड और थर्ड। तो देखिए जल रहा है। तो यहाँ पे शाम हो चुका है, मतलब 6 बजने वाला है कुछ मिनटों में। सब लोग देखो मतलब कंपनी MIDC जो छूट चुकी है जा रहे, और हमने हेलमेट यहाँ पे पहना हुआ है। सो जैसे थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो फिर हम इस हेलमेट को जलाएंगे और देखेंगे कि रात को कैसा दिखता है। रेलवे स्टेशन पर टिकट मिल रहा है, यहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन जाता है रोज़, वो है अवध एक्सप्रेस। तो यहाँ पे रास्ते के ऊपर सब पेड़ के पत्ते जो काट के मतलब डाली जो काट कर डाली है, अच्छा किया है, क्योंकि ये नहीं डालेंगे ना तो लोग उसके ऊपर से भी चले जाते हैं। मतलब कंक्रीट को क्या मतलब 4-5 दिन लगता है यार पानी सूखने में, तो जाके मजबूत होता है। तो ये अच्छा जुगाड़ लगाया है। अंधेरा हो चुका है और बाजू में हेलमेट है, मैंने GoPro को बाहर निकाला है, उसका बटन कहाँ गया। तो चालू करके देखते कि अंधेरे में कैसा लगेगा। मैं कब से इंतजार कर रही थी कब अंधेरा होगा, फाइनली अब जाके अंधेरा हुआ। लाइट चालू और ये लाइट चालू हो गया। सो अब इसको लेके घूमेंगे हम। वन बड़ा है, छोटा है, टू ये वाला अच्छा है, तो जब गाड़ी चलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा मैंने जानबूझ के अंधेरे में निकाला कि आप प्रॉपर देख पाए कितना इसमें ब्राइटनेस है, कितना लाइट है, तो बढ़िया है। हेलमेट जो है लाइट लग चुका है बहुत, मतलब एक और अपडेट हो चुका है वो। मतलब जब उसको पहन के आ रहा था तो मुझे दिख रहा था कि पब्लिक उसको कैसे देख रही है अंधेरे में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। दिन में तो बोले तो दिन में बिल्कुल यूज नहीं, हाँ ये थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें अच्छा लगेगा, लेकिन रात को जब इसकी बत्ती जलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा कि आपको ये कैसा लगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। सो अच्छा लगता है ऐसे जब जलते हैं अंधेरे में, अच्छा मतलब क्या मतलब आदमी के सर पर क्या जलते हुए जा रहा है। ओहो, और जल्दी ही इस संडे एक छोटा सा एक और राइड करेंगे, हम प्लान कर रहे हैं छोटे से राइड का, क्योंकि इस टाइम पे छोटा छोटा ही वन डे का राइड कर सकते हैं, लंबा राइड का कोई प्लान है ही नहीं, क्योंकि कहीं भी होटल्स रूम ये सब स्टार्ट हुए नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो छोटा राइड करेंगे, राइड की ट्रेनिंग चलती रहेगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।